संतगढ़ डुडू इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन चला रहे थे। इस ऑपरेशन के दौरान एक सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर रैंक के जो अधिकारी थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। जानकारी मुताबिक आपको बता देना चाहेंगे कि आज उनके जो पार्थिव शरीर था उसे श्रद्धांजलि जो है वो दी गई। जो कुलदीप कुमार इंस्पेक्टर सीआरपीएफ के थे, कल एक अपने टीम के साथ लीड कर रहे थे चील एरिया, जो डुडू बसंतगढ़ का चील एरिया है, वहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे थे, क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सूत्रों के मुताबिक उन्हें मिली थी कि इस इलाके में आतंकवादियों की गतिविधि देखी गई है। सुरक्षा में तैनात जवानों के साथ वहां पर उस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा था और ऐसे में मक्की के खेत में छिपे आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के दौरान कुलदीप कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अन्य साथियों ने वहां से रेस्क्यू करके नज़दीकी अस्पताल पहुंचाया। तब तक वो जो है वो शहादत पा चुके थे। घायल हुए तो आसपास में जो उनके साथी थे उन्होंने मोर्चा संभाला और फायरिंग जो है वो शुरू कर दी, लेकिन आतंकवादी वहां से भाग निकलने में कामयाब हुए। वहां पर आज दूसरे दिन भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। वहीं आपको बता दें कि 187 जो मुख्यालय है सीआरपीएफ का, वहां पर कुलदीप कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां पर सीआरपीएफ के बड़े अधिकारी और उधमपुर रियासी रेंज के डीआईजी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने नम आंखों के साथ उन्हें विदाई तो दी लेकिन उनकी इस वीरता पर, उनके इस सैक्रिफाई पर उन्होंने एक जो है वो गर्व किया है कि देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। लगातार बढ़ते आतंकवाद को लेकर सुरक्षाकर्मी कई बड़े कॉम्बिंग ऑपरेशन और एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चला रहे हैं। उन आतंकवादियों की लगातार तलाश जारी है। बड़े पैमाने पर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और जितने भी अन्य सुरक्षा दस्ते हैं वो वहां पर मौजूद हैं। उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी हो सकते हैं, हालांकि ये सूत्रों के मुताबिक है। बहरहाल ये आज की जो खबर है कि पूरे देश जो है वो कुलदीप कुमार की शहादत को सलाम कर रहा है और आज उन्हें उस मुख्यालय में, यानी सीआरपीएफ के मुख्यालय में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और वहां पर उन्हें जो है नम आंखों के साथ विदाई दी गई। आप जुड़े रहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ, जल्द ही किसी और खबर को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।